members in 2019 versus 68 women members. And so anti-Dalit, anti-SC, anti-women slogan went nowhere. Puro, sir, aaj chunav ka parinam aashcharyajanak hai. Sir, ek pradhanmantri, puro pradhanmantri haar gaye. Main naam nahi leta hoon, 12 mukhyamantri haar gaye. सर क्या किसका परिणाम बोल लेते नरेंद्र मोदी का क्रेज नहीं कुछ नहीं क्रेज नरेंद्र मोदी का है क्योंकि वो भारत माता की साक्षात महान सेवक के रूप में प्रतिभात हुए उनका कोई स्वार्थ नहीं है सर इतना विरोध क्यों करते हैं सर ये सामंतियों को हराया लोगों ने सामंतियों को हराया क्यों चाय बेचने वालों का बेटा दोबारा प्रधानमंत्री हो गया बर्तन मांजने वालों का बेटा दोबारा प्रधानमंत्री हो गया इसलिए इतना इंटॉलरेंस इसलिए इतना असहिष्णुता सर क्या आप नहीं चाहते हैं कि गरीबों का प्रतिनिधि कभी प्रधानमंत्री बने सिर्फ जमींदारों का राजाओं का साजदों का प्रतिनिधि बनेंगे लोग आज डायनेस्टिक एंटरटेनमेंट का पसंद नहीं करते अब भी समझ नहीं पाते हो भाई साहब मैं बोलना चाहता हूं अब तो समझो सर इंटॉलरेंस पे भाषण देने वाले को भारत की जनता ने तो कड़ा उत्तर दे दिया ये लड़ाई भारत की जनता ने लड़ी प्रजातंत्र के द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया से शांतिपूर्वक सच्चाई की विजय हुई इसको तो मान लेना चाहिए क्यों नहीं मानते हो मैं सार भारत में जनता का अभिनंदन करता हूं और कांग्रेस समेत सारा विरोधियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं विशेषकर कांग्रेस के सारा मुख्य लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं क्यों करता हूं सर आपने हमारा बहुत सारा उपकार किया है सर भगवान की इस ड्रामा में अगर हीरो होगा तो विलेन भी चाहिए विलेन नहीं होगा तो हीरो का महिमा कैसे प्रकट होगा सर भगवान श्री राम ने जब जंगल को गया वनवास के उपरांत वो वापिस आया और माँ कैकेयी के पास गया प्रणाम किया माँ कैकेयी ने पश्चातापूर्वक बताया अरे राम तू मुझे माँ कहकर पुकारता है कहले क्यों माँ मैं तो कौशल्या माता के पास बाद में जाऊंगा पहले तो आपको आया कहले माँ डाक 14 साल तक मैंने सुना नहीं कहले क्यों भरत माँ नहीं देखती नहीं नहीं भरत माँ पुकारते नहीं पूछे भरत क्यों अरे भरत तो मुझे राक्षसी वागुनी नागुनी बोलता है कहले भरत ये क्या है माताजी को अपमान कहले देखो भाई नागुनी वागुनी राक्षसी वो बाकी लोगों को खा जाते हैं लेकिन अपना बेटा को नहीं खाते हैं वो तो पति को भी खा गया बेटा को भी ऐसा बकवास मत करो माफी मांगो भरत उन्होंने माँ का चरण पकड़ लिया और कई कई माता आलिंगन कर लिया आनंद अश्रु आ गए कहले देखो भरत 14 साल तुमने माता को प्रताड़ित किया लेकिन मातृत्व की कैसा वात्सल्य निर्जरणी भती है देखो तुमको गदगद होकर के आलिंगन कर लिया माफी मांगो फिर राम ने पुकारा पूछा माँ मेरे को क्यों माता बोलने का अधिकार नहीं आ बोलते नहीं नहीं तुम्हारा तो अधिकार है राम किंतु कैकेयी का नहीं है कहले क्यों कहले मैंने तुमको कितना कष्ट दिया उन्होंने बोला नहीं माता तुम तो ईश्वर प्रेरित हो तुमने अगर मेरे को प्रताड़ित नहीं करते वन में नहीं भेजते तो राम को कौन जान सकता था राम तो अयोध्या के छोटा सा राज्य में राजा होकर मर जाता लेकिन आज दिगंत विस्तारी हिमालय से कुमारिका तक अटक से कटक तक सौराष्ट्र से गंगा सागर तक सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक राम का जो महिमा मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में फैला है ये मां तुम्हारी कृपा से हुई इसलिए आपके कारण हमारा बहुत उपकार है इसलिए गोस्वामी तुलसीदास पहले संत और असंत दुजन को दुष्ट और साधु को वंदना करते बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि ले ही मिलत एक दुख दारुण देही वो कहते हैं मैं संत और असंत साधु और शैतान दोनों को वंदना करता हूं क्योंकि दोनों में एक साम्य है क्या साम्य है दोनों ही दुखप्रद है सज्जन का विच्छेद दुखप्रद है और दुर्जन का मिलन ही दुखप्रद है दोनों में समान है सर अब तो मैं निवेदन करता हूं कि जनादेश को विनम्रतापूर्वक मानने की सभ्य आचरण सीखना चाहिए धन्यवाद देता हूं संविधान निर्माताओं को चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो राजेंद्र प्रसाद हो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो वे नेहरू का नाम भी लेता हूं नो ही प्रॉब्लम सर लिया वे तो थे हम भी है आज कई लोग उनकी अवहेलना करके इंस्टीट्यूशन को तोड़ने का काम करते हैं मुझे नेहरू से कोई अनटचेबिलिटी नहीं है सर इन मोर देन 7 डिकेड्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इट वॉज द कांग्रेस पार्टी व्हिच वॉज इन पावर फॉर 55 ईयर्स सर स्टिल दे ब्लेम अस 5 वर्ष में अस्थिर हो गए अपेक्षा करना चाहिए व्हाट इज इट्स ट्रैक रिकॉर्ड सर इमरजेंसी में क्या क्या किया था इसको तो याद करना चाहिए सर किन किन को जेल में पुराया था किन किन का अत्याचार किया था
कैसे भारत की गणतंत्र का तोड़ मरोड़ किया था, संविधान का अपमान किया था, डेमोक्रेसी का हत्या किया था, सत्य का कंठरोध किया था, ये भूल गए हैं आप लोग। व्हाट इज इट्स ट्रैक रिकॉर्ड? इमरजेंसी में किसने सिखा दंगा करवाया था, सिखों का हत्या किसने करवाया था, सर रिजर्व बैंक को गवर्नर को किसने हटाया था, सर इलेक्शन कमीशन पर किसने सवाल उठाया था, सर ईवीएम मशीन को कौन दोषी ठहराया था, तीन तीन प्रदेश में ईवीएम मशीन के द्वारा कुर्सी पर आने के बाद जब हारने के मौका आ जाती है तब ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, ये क्या न्याय है सर? इसी ईवीएम के प्रति तो कृतज्ञता प्रकट करो, किसने तुमको तीन प्रदेशों में कुर्सी पर बिठाया? सर सर इस मैंडेट को किसी का अधिकार नहीं है छीनने का, हड़पने का। जनता ने मैंडेट दिया और डिबेट्स एंड डिस्कशन करने का अधिकार दिया, लेकिन तोड़ मरोड़ करने का नहीं है। सर जनता का इतना अपमान करने का अधिकार किसको है क्या? देखो इस देश में संतों का, बाबा रामदेव का, भारतीय परंपरा का, कृष्टि का अपमान करने का फल तो पहुंचता है। सर अपोजिशन लीडर भी नहीं बन पाए, 15-20 दल बैठ करके अपोजिशन भी नहीं बन पाए। अगर मैं निवेदन करता हूं सर, थोड़ा सा समझो, इंट्रोस्पेक्ट करो। सर हमारे स्मृति दीदी ने क्या किया? अब केरल में राहत मिला, भगाई भगाई केरल में राहत मिली। सर अब तो सोचो, नम्रता दिखाओ, सर आत्मशोधन करो, पश्चाताप करो, मोदी से माफी मांग लेना। सर हो सकता है जनता का रोष आपको इतना दूर तक भेज दिया, अगर हो सकता है सर, सर जनता अगले बार आपको शांत होकर